अगर हम अपने लाइफ में अलर्ट नहीं रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो दोस्त, अलर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? सतर्क होता है। अलर्ट का मतलब ही होता है सतर्क। अगर आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग अलर्ट नहीं रहोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो थोड़ा आज डिटेल में समझेंगे कि अलर्ट रहने से क्या प्रॉफिट होता है और हमेशा आप अलर्ट कैसे रह सकते हो। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो सबसे पहले आज का टॉपिक समझ लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। अगर टॉपिक नहीं पता रहेगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले टॉपिक क्लियर कर देता हूं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलो टॉपिक समझ लेते हैं। अलर्टनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। फिर से एक बार समझना, अलर्टनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। बहुत ही जरूरी होता है अपने लाइफ के रिगार्डिंग अलर्टनेस। तो आज इसको पूरा डिटेल में समझेंगे क्या प्रॉफिट है और हमेशा कैसे अलर्ट रह सकते हैं। तो इंडिया का जलवायु वैसे ही गर्म होता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि जिस देश का जलवायु गर्म होता है उस देश में सफलता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज इस चीज को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्त, जलवायु गर्म होने का मतलब समझते हो क्या होता है? तो अगर जलवायु गर्म होता है तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ और रहने वाले लोग भी बहुत गर्म मिजाज के होते हैं और गर्म दिमाग के होते हैं। तो यहाँ पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है दोस्त। अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। तीसरे नंबर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस चीज को समझना, साला में तो साहब बन गया। सबसे ज्यादा इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन सा फैक्ट है। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो इन सब चीजों का कोई जरूरत नहीं होता है अपने लाइफ के रिगार्डिंग। और खास करके इंडिया में रहते हो तो अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लाइफ के रिगार्डिंग अलर्ट नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि लाइफ में सक्सेस होना, सफल होना बहुत ही, ऐसे समझ सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। अगर लाइफ में सफल होना है तो एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, दिमाग हमेशा ठंडा, जुबान पे हमेशा शक्कर और पैर में हमेशा चक्कर हमेशा रखना जरूरी होता है। अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हो तो हमेशा होना चाहिए, फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पैर में चक्कर जरूरी है अगर लाइफ में सक्सेस होना है। इसका मतलब नहीं समझ पाए, क्लियर कर देता हूँ, सही तरीके से समझ जाओगे। दिमाग ठंडा रखने का मतलब होता है दोस्त शांत रहना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलर्ट रहने के लिए आपका माइंड पीस होना बहुत ही जरूरी है, आपका माइंड शांत होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं रहोगे तब तक अलर्ट नहीं रहोगे। इसलिए दोस्त, दिमाग ठंडा रखा करो और जुबान पे शक्कर का मतलब होता है, समझ ही चुके होगे क्या होगा, क्या हो सकता है। तो दोस्त, जुबान पे शक्कर का मतलब होता है मीठा बोलना, क्योंकि यही जुबान आपको इज्जत भी दिलवाता है और यही जुबान आपको लात भी दिलवाता है। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। और पैर में चक्कर का मतलब समझ सकते हो क्या होता है? भागते रहो दोस्त, जब तक अचीवमेंट ना आ जाए तब तक रुकने का नहीं, भागते चलो चाहे जो भी हो जाए, रुकना नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्त पैर में चक्कर, क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, हम लोग अक्सर सुनने को मिल जाता है और हम लोग खुद ही बोलते हैं और अपने अगल बगल में सुनने को मिल जाता है, बंदा बहुत ही भाग्यशाली है। तो दोस्त, भाग्यशाली वही होता है जो अपने लाइफ में अलर्ट रहता है। जो अलर्ट रहेगा वही भाग्यशाली होगा, क्योंकि बड़ा आसान सा तरीका है अपना भाग बदलना, अपना परिस्थिति बदलना अपने हाथ में होता है। अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओ तो अपने आप को मत दोष देना कभी। इस चीज को हमेशा याद रखना कि अपने लाइफ में जो करना था उसको कभी किया नहीं, तो दोष देने से क्या फायदा। इतिहास गवाह है दोस्त, इतिहास उठा के पढ़ लेना, देख लेना, हर भाग्यशाली इंसान और हर सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में अलर्ट रहता है। इसलिए दोस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अपने लाइफ के रिगार्डिंग अलर्ट रहना, क्योंकि नहीं रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्त, अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको चार टॉपिक क्लियर करूंगा, चार पॉइंट ऐसा दूंगा कि आप 24 आवर कैसे अलर्ट रह सकते हो, आप हमेशा कैसे अलर्ट रह सकते हो। चार पॉइंट को फॉलो करना, सही तरीके से समझ पाओगे और अपने लाइफ के रिगार्डिंग हमेशा अलर्ट रहोगे। सबसे पहले नंबर में आता है, ज्ञान के लिए हमेशा अलर्ट रहो। कहीं भी एजुकेशन और नॉलेज मिले दोस्त,
इसका कोई फर्क मत करना कि कहाँ मिल रहा, बस बैठ जाना उस एजुकेशन नॉलेज को लेने के लिए, चाहे जितना भी टाइम लगे, कुछ भी लगे, कहीं भी बैठा दे, कुछ भी कर दे, अगर लगे कि सही ढंग का एजुकेशन है, नॉलेज है, तो बिना किसी भेदभाव के बैठ के उस एजुकेशन और नॉलेज को चुपचाप ले लेना और हमेशा अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए रेडी रहना, अलर्ट रहना, जहाँ भी मिले ले लेना दोस्त। दूसरे नंबर में आता है उस चीज को समझना, अपने डिसीजन के रिकॉर्डिंग हमेशा अलर्ट रहना। जो भी लाइफ में डिसीजन लो, हमेशा उस चीज के लिए अलर्ट रहना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डिसीजन। डिसीजन का मतलब बहुत कुछ हो सकता है दोस्त, अगर समझना चाहो तो आप जो भी बोलो, जो भी करना चाहो, जो भी किसी को कुछ बोलो, अपने बात पे हमेशा खड़ा उतरना सीख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग। इस चीज को समझना, अपने डिसीजन को हमेशा अलर्टनेस के साथ लेना शुरू करो, जो भी डिसीजन लो उसको अलर्टनेस के साथ पूरा भी करो। तीसरे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना, हमेशा अपने टाइम को लेकर अलर्ट रहो, हमेशा अपने टाइम के रिकॉर्डिंग अलर्ट रहो, क्योंकि टाइम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अच्छे से अच्छे किताब में लिखा हुआ, टाइम इज ए मनी, क्योंकि समय ही आपका पैसा है, इसलिए टाइम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग समझना जरूरी है दोस्त। और अपने टाइम के रिकॉर्डिंग हमेशा अलर्ट रहो, कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, कभी भी अपना टाइम बर्बाद मत करो, हमेशा अपने टाइम का रिस्पेक्ट करो और उसके रिकॉर्डिंग अलर्ट रहो कि कब किस टाइम पे आपको क्या करना है और क्या नहीं। चौथे नंबर में जो आता है उस चीज को समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग हमेशा अलर्ट रहना। इस चीज को समझना फिर से, अपने प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग हमेशा अलर्ट रहना, क्योंकि दोस्त आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, किसी न किसी गलती की वजह से आता है, इसलिए हमेशा रेडी रहो अपने प्रॉब्लम के आने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम आता है उस चीज के लिए हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि दोस्त जब तक अपने प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग अलर्ट नहीं रहोगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्त हमेशा अपने प्रॉब्लम के लिए अलर्ट रहो, जब अलर्ट रहोगे अपने आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम को लेके थोड़ा सा भी इधर उधर किया ना तो प्रॉब्लम इज ऑलवेज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा अपने प्रॉब्लम को लेकर अलर्ट रहो। तो दोस्त सबसे सही और सबसे आसान तरीका है अपने लाइफ में अलर्ट रहने का, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके अलर्ट रह सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।